वन उच्च विचार। एक पिता देता है पुत्र को ऐसे संस्कार, लेकिन कलयुग में ये सीधी बातें लगती हैं फिजूल। बेटा कहता है बाप से, डैडी कूल कूल कूल। प्लीज वेलकम मंत्रा एज बेटा एंड अनूप एज हिज पिता। सात नंबर देने वाली आंटी, सब भ्रष्टाचार है। मेरा प्यो कहता है ये सब भ्रष्टाचार है, और ये भ्रष्टाचार नहीं रुकाना तो लिखवा लो मुझसे। खैर छड्डो जी, दिन उल्लू दुपट्ठो दे काम है लिखने का, उनसे नहीं लिखते बन रहा, मैं क्या खाक लिखूंगा। पर जी मैं कह रहा, अगर ये भ्रष्टाचार नहीं रुका ना, एक बार फिर से कपिल जीत जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कपिल बीच में कहां से आ गया। ओ जी, कपिल बीच में नहीं आया, बीच में तो हम आए कपिल और कॉमेडी के। ओ जी सोचो, इतना बड़ा सेट बनाया, प्रोड्यूसर साहब का इतना पैसा लगा, पर बंदा सीरियस ही नहीं हो रहा, कॉमेडी पे कॉमेडी किया जा रहा है। चलो ठीक है, एक एपिसोड दो एपिसोड में कर लो कॉमेडी, वो जैसे कि हम करते कभी कभार, लेकिन ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा यार। बताओ एक चीज बताओ, हम भी कर ले वैसे होती नहीं है। एक दिन अगर जंग पड़ गई तो क्या करेगा कपिल आपका, सरहद पे जाके हेलो ऐसा नहीं ना, क्या करेगा। छड्डो जी, मैं तो जानता हूँ मैं बड़ा होकर ना दो नंबर का काम करूंगा। मेरे पापा जी मेरे को पता नहीं क्यों पढ़ाई लिखाई करवाने पे तुले हुए, आने वाले होंगे, होमवर्क कर लेता हूँ जल्दी से। पापा जी सॉरी सॉरी जी सॉरी, वन सेकेंड। ए जी साढ़े पापा जी आएंगे, बड़े कमाल के आदमी है, अंदर से खुद पिंकू हो रहे हैं, लेकिन मेरे को पढ़ा लिखा के सोहेल खान बनाना चाहते हैं, पता नहीं क्यों। पापा जी को पटाना पड़ेगा, कुछ तो माल बनाओ। पापा जी, हाँ जी, पापा जी ठीक हो पुत्र? पापा जी मूड बात खराब है, जोक सुनाओ पापा। ओके पुत्र, जोक सुनो। ओके पापा बेटे से। ओके बेटे, आपने होमवर्क किया है? पापा जी क्या कर रहे हो यार, होमवर्क किया है कि नहीं? वो जोक के चक्कर में जोकर बना रहा है। पापा जी आपको क्या हो गया, बॉस ने आज आपको मुर्गा बनाया था क्या ऑफिस में? मेरे को भी टीचर ने चिकन बनाया, आज बाप बेटे दोनों कुकड़ हो गए, कुकड़ हो गए। ओए खोतिया, ओए कुकड़ तो मैं तेरा बनाऊंगा। तेरी रिपोर्ट कार्ड कहां है, लाओ। पापा जी आप तो इमोशनल हो गए, इस पे रिपोर्ट कार्ड लाने की क्या बात है। आप रुको जी, छोड़ो, आप थोड़ा ठंडा हो जाओ, मैं आपको ना पानी पिलाता, रुको। हेलो जी, पानी पियो। ओए यार छोटल को नीचे रख, तुझे बता रिपोर्ट कार्ड कहाँ पे है, हैं? तूने मेरे साइन वाइन नहीं कराने? पापा जी एक तो मैं फेल हो गया, ऊपर से साइन कराऊं, पेशर हूं आपकी तरह मैं, हैं? कि एक्ट के एंड में गंदा एक्ट करो, नंबर भी मांग लो। ओए यार सुन, ओए हैं, मैं तेरा पियो हूं या तू मेरा पियो है? पापा जी परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए ना तो बाप तो यहाँ पर सिर्फ कपिल ही आएगा। ओए रहन दे तो रहन दे। और तूने वो स्टोरी सुनी है ना कछुए खरगोश वाली? हाँ जी, है? जिसके वाली। अंदर क्या होता है कि कछुआ तीरे 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 चलता रहता है और एंड में जीत जाता है। तो तू ये समझ ले कि वो कछुआ मैं हूँ। पापा जी पर ये रेस वो वाली रेस नहीं है बाजी, इसके अंदर ना अर्चना भी है, और कपिल के पीछे कोई कछुआ दिख जाए ना ढक्कन उखाड़ के चाय पी जाती ऐसे करके, और उसके अलग कछुए से नंगे फिरते ना यार आते हुई। ओ इधर आ, इधर आ। पागल है तू, ये जितना टाइम ये बेकार की बातों में बर्बाद करता है उतना हाँ। पढ़ाई में लगाया कर। नहीं करूंगा। क्यों? मैं तो बड़ा के दो नंबर के काम करने वाला हूँ। अरे और कितने दो नंबर के काम करेगा तू? पिछले दो एक्ट से स्टेज पे हम लोग दो और एक नंबर वाली तो काम कर रहे हैं। सही कह रहे हो, मेरी बात सुन, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है मेहनत कर फल की इच्छा मत कर। ओके जस्ट लाइक कॉमेडी सर्कस कर, पर स्क्रिप्ट की इच्छा ना कर, जो मिलनी है नहीं। लगाऊंगा तेरे पापा। तेरे को मैंने पहाड़े याद करने के लिए कहा था, किए कि नहीं किए तूने? पहाड़ों से तो आज मैं टकरा गया, तुमने ली क्लास, लो मैं आ गया। लो जी सब याद है मेनू, सब याद है। ओके पूछो क्या पूछना है। पहाड़े सुनाओ। पहाड़े, पहाड़ा आ रहा है जोर से, आ रहा है पहाड़ा। पापा दो एक दो दो दुनी चार, दो तिया छः, दो चौके ठाकुर, दो पंजे कपिल। ओए दो पंजे दस होता है। ओ चिप्पा जी मैं तो बात बोलूं, दो चौके आठ हमारे, दो पंजे दस हमेशा कपिल के ही होते हैं। अर्चना जी इससे फालतू की बातें करवा लो, कुछ नहीं आता, कोई काम नहीं करता ये। हाँ सारी बात मुझे ही बोल दो, अपने भाई से कुछ मत बोलो, चाचा जी से कुछ मत बोलो तुम। ओ अब क्या कर दिया तेरे चाचे ने? मेरे को मैथमेटिक्स की ट्यूशन देने आए थे, दो घंटे लग गए 11 नंबर लिखने में। क्यों? वो क्यों नहीं बोल रहे थे 11 में पहला वन किधर आता है? तू अपना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान लगा, एग्जाम की तैयारी कर, चल
मेरे okay. सवाल का जवाब दे. ओके okay. ये बताओ कि इस सदी का महापुरुष कौन है. I know this. हाँ, बताओ, I know बताओ, this. बताओ. Oh, I know. Page number 34, paragraph number 2. आएगा, दो सेकंड रुको, आएगा. अरे, oh yes, निकुल गांडा. निकुल गांडा कैसे? पापा जी, चापलूसी नाम की भी तो कोई चीज होती है. है जी, ये जजेस तो खुश हो नहीं रहे. कम से कम उसको खुश करो जिसके पीछे जजेस की लाइन लगी रहती है. पापा, देख तू ना मेरे को गुस्सा मत दिला तू. अच्छा तू एक काम कर, भारत देश की राजधानी के बारे में कुछ बताओ. राजधानी के बारे में 3 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आती है. ओए खोतिया उल्लू दे पठिया, भारत देश की राजधानी दिल्ली है. वो तो सबको पता है, उसमें नया क्या है. पापा जी, आप बोलते सही जवाब. तो ये बोलती है कुछ नया करो, निकुल बोलता है कॉमेडी करो, पार्टनर क्राइम पेट्रोल का मिला है, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट वाली हो रही है और नंबर ठाकुर वाले मिल रहे हैं. देखो अर्चना जी, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे साथ ना उल्टा पुल्टा हो गया है. ये जो है ना, बाप के रूप में मुझे बेटा मिल गया है. मैं नहीं इसको पढ़ा सकता. मैं आपको सच बात बताऊं, कोई भी औलाद जो है ना वो परफेक्ट नहीं होती है. उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है. और वैसे ही कोई भी एक्ट जो होता है वो परफेक्ट नहीं होता है, उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है. अब देखो जी, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, आप सब लोगों को तो पता ही है कि हमारे एक्ट में अब एनर्जी नहीं रही है. तो मैं श्रुति, From the bottom of my heart, I request you, please come and provide some energy. Oh, no, lucky होए. Lucky होए. Okay, जी, thank you so much. को बन गया है जज, लेकिन अब उसका तबला कौन बजाएगा? चलिए देखते हैं. Please welcome Rajiv and Suhasini. बाजी, पर मुबारक हो, मुबारक हो. 5 साल बाद आखिरकार कॉमेडी सर्कस को टैलेंटेड जज मिल ही गया. मिस्टर पिंकू, आज सबसे टैलेंटेड जज है बाजी. मैं तो इतना टैलेंटेड हूँ, संडे को ना मैं सिर्फ हैट टाई और बूट पहन के घूम रहा था घर पे. ऊपर से विपुल जी आके मुझे कहते, ओए घर में नंगा क्यों घूम रहा है? मैंने कहा पाजी संडे है, मैंने सोचा कौन सा किसी ने घर में आना है, कपड़े क्यों पहने हैं. कहते बेवकूफ, फिर तूने टाई क्यों पहनी, बूट क्यों डाले, हैट क्यों पहने? मैं कहा मैं रिस्क नहीं लेता पाजी, आप जैसा कोई ना कोई घर में आ ही जाता है पाजी. मेरा ह्यूमर देख के पाजी उन्होंने मुझे जज बना दिया. कहते आर्टिस्ट तो होता नहीं, कम से कम जज तो अच्छा करे पाजी. अरे ये क्या, बैठने वाली जगह पे वो कुर्सी रख के चला गया. बेवकूफी लोग यहाँ पर देख लो, 4 साल से मैं इंतजार कर रहा था कि अर्चना ये कुर्सी छोड़े और मेरे पैसे मुझे मिल जाए. लेकिन बड़ी कमाल की बात है, मैंने अठन्नी रखी थी, 5 रुपए हो गए. अर्चना का बड़ा कमाल है, इतने से शो को इतना बड़ा कर दिया, मेरे 50 पैसे को 5 रुपए कर दिया. बाजी आगे से बाजी जब बैठ रहा होगा मुझे बता देना, मैं नीचे 500 का नोट रखूंगा, कम से कम 5,000 तो बाजी. अरे मेरी जो सीनियर जज आने वाली है, बस वो आ जाए फिर हम शो चालू कर दे. हेलो, माय सेल्फ माइंड ब्लोइंग. सॉरी अर्चना जी, आज पहली बार आपका रोल कर रही हूँ. अगर ठीक से कॉपी ना कर पाऊँ तो बुरा मत मानना, उल्टे खुश हो जाना. कम से कम आज आप पहली बार लड़की तो लगेंगी. वो भी सेक्सी वाली, माइंड ब्लोइंग. हमारी सीनियर जज आ गई पाजी, सीनियर जज आ गई. पैर छूने बनते हैं पाजी. आओ छुओ पैर मेरे, आज मैं भी जज हूँ पाजी. रमेश, तुम्हारे साथ जज करो, इससे अच्छा है कि मैं जहर खा लूं. हाय हाय पाजी, धमकी में भी खाने की बात करती है पाजी. इसको तो खाने का इतना शौक है, खेत में जाके किसान की जमीन से मूलियां निकाल के उसी को गालियां दे रही थी. कहती बेवकूफ बदतमीज, मुझसे मूलियां छिपा के तूने जमीन के अंदर रखी है, इतना नहीं पता कि मूलियां जमीन के अंदर ही उगती है पाजी. शराब, मैं तुम्हारे साथ शो नहीं कर सकती, मैं शो छोड़ नहीं सकती. मैं करूं तो क्या करूं पाजी? एक जगह बची पाजी, तबले पे बैठ जाओ पाजी. सोच लो, इंस्टॉलमेंट भी भरनी घर की बाजी. तुम्हें लगता है तुम इंस्टॉलमेंट के नाम से मुझे डरा सकते हो? तो तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो. कहां बैठूं? ऐसे नहीं बैठते तबले पे बाजी. ये कुर्सी थोड़ा तबले पे, इधर आके बैठते बाजी, इधर आके, इधर बैठो बाजी. बाजी अब पर मुझे बजाना नहीं आता बाजी. बात तबला बजाना नहीं आता तो बाजी जो 4 साल से काम कर रहे हो वो भी तुम्हें कौन सा आता है बाजी? बड़ा आसान होता है पाजी. देखो ये मान लो कि कपिल का सर है, अब बजाओ. कपिल कपिल, तभी मैं सोचूं कपिल जीत क्यों जाता है, क्योंकि हर जगह पे इसका हाथ उसके सर पे होता है ना. देख लो अब बिना बजे भी उसमें से आवाजें आ रही है, टिन 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 टिन. जोर से बजाओ इसको, फिर बजाएगा पाजी. तो जोर से बजाना है, बोलो ठाकुर का सर है. आठ आठ आठ.
नमक नहीं है पाजी, ये पाउडर होता है पाजी, पाउडर होता है। इसको ना तबला बजाने से पहले लगाओ तो तबला बड़ा स्मूथ बजता है, ऐसे देखो। ए अब देखो तबला बजाना, देखा? ओए ओए, ये मंत्रा का एक चालू हो गया। एक काम करो, वो मंत्रा घोड़े पे आ रहा है, घोड़े का म्यूजिक बजाओ। घोड़े का म्यूजिक कौन सा होता है, कौन सा? ये मुझे कहते थे गलत बटन दबा देता है पाजी, बटन इतने होते नहीं पता चलता कौन सा बटन दब गया है। नहीं, पर यहाँ तो सिर्फ दो ही बटन है पाजी, जिसे गिनती ना आती उसके लिए दो भी ज्यादा ही होते हैं। चलो देखो, मंत्र का एक्ट खत्म हो गया। कम ऑन कम ऑन, कमेंट करो, कमेंट कमेंट कर रहे हैं डार्लिंग, चलती क्या खंडा ला। अरे वहाँ कमेंट नहीं करना है, कोई अच्छे वाले कमेंट करो। अच्छे वाला करना है, बहन जी सत्संग में चलोगी पाजी? स्टेज पे कमेंट पहले बताना चाहिए पाजी, स्टेज पे कमेंट कर रहा है, ये एक्ट बहुत गंदा था पाजी। ये लड़की ने कुछ किया ही नहीं है, टांगों पे टांगे रख के बैठी रही सारे एक्ट में पाजी। अरे वो तो एंकर है, एक्ट इधर चल रहा है पाजी। मैं क्या करूं, मैं जहां बैठता था वहां से मुझे सिर्फ यही दिखाई देती थी पाजी। सारी जिंदगी मैंने इसको देख के निकाल दी पाजी, जब भी ये कहीं टांगों पे टांगे रखती मेरा तो तबला निकल जाता था। ढूंढ मंत्रा, ये तुमने जो एक्ट किया ना पाजी, तेरी तो स्टैंडिंग ओवेशन बनती है पाजी, बाहर कान पकड़े खड़ा हो जाए, गेट आउट। एक्ट खत्म हो गया अर्चना पाजी। कपिल का एक्ट आने वाला, कपिल का एक्ट, कपिल का एक्ट। कपिल, तुम्हारे लिए मैं स्टैंडिंग ओवेशन दूंगी। ए तेरा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। पहले कपिल को आने तो दो भाई, क्या कर रहे हो पाजी? जैसे तुम उसका ध्यान रखती हो, मेरा दिल करता मैं कपिल को ठाकुर दे दूं पाजी। ओ, तुम ठाकुर को जिताना चाहते हो? नहीं पाजी, मैं कपिल को राना चाहता हूं पाजी। वाह 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 कपिल, जो तूने आज एक्ट किया है ना, वाह वाह। आई वॉन्ट टू गो टू योर होम पाजी। तेरा दिमाग नहीं काम करता, मुझे अपने घर में नहीं कोई घुसने देता, मैं इसको कहां लेके जाऊं? I want to go to his home, पाजी। पर जो नंबर आज तक तुझे कभी किसी ने दिए, मैं दूंगा पाजी, मैं दूंगा, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ पाजी, ये लो जीरो नंबर। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। कपिल, नंबर टेन। ये पर होता है बेवकूफ। टेन नंबर, कोई बात नहीं, मैं अपना नंबर वापस ले लेता हूँ, एक नंबर बचा पाजी। क्या फायदा? ओ मैं जज बना, ओ तुझे मैंने अर्चना बनाया, ओ तूने तब भी कपिल को नंबर वन बनाना, तो लाना था हमारे एक्ट करने पे यहाँ पे। यहाँ तो बोल देती ठाकुर यू आर नंबर वन। ठाकुर यू आर नंबर वन, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।